आज हम सिर्फ कार्तिक मास की चर्चा करें, लेकिन हाँ ये वो महीना है जिसमें कि यशोदा मैया ने भी साड़ी बांध करके अपनी कमर कसी और कमर कस के कृष्ण को पकड़ना चाहा, यानी कि यशोदा मैया भी साधना कर रही है इस महीने, कमर कस के साधना करनी चाहिए। तो वैसे हम साधना करते हैं वैसे तो, लेकिन इतनी कमर कस के साधना नहीं करते, कमर हमारी ढीली ढाली रहती है। लेकिन इस महीने हमको कमर कस के यशोदा मैया के फुट स्टेप्स पर चलते हुए हमको साधना करनी चाहिए। यशोदा मैया जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना चाह रही है, कृष्ण दौड़ रहे हैं, कृष्ण को पकड़ना चाहती है माता यशोदा। और माता यशोदा जब दौड़ भी रही है भगवान श्री कृष्ण के पीछे, तो फिर जितने भी जो उनके सर पे मालती के फ्लावर्स का जो गुंजमाला है जो उन्होंने बांधी हुई है, तो वो फूल झड़ रहे हैं ये सोच करके कि हमारा स्थान यशोदा मैया के सर पे नहीं है, हमारा स्थान तो यशोदा मैया के चरणों में है। तो ये सोच के फूल झरझर झरझर गिर जाते हैं। और कुछ ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमारा लोड यहाँ पर है तो इस लोड की वजह से उनकी स्पीड कम हो रखी है, हम झड़ जाएंगे, लोड कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, कृष्ण पकड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो यशोदा मैया कमर कस सकती हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए, तो कृष्ण एक दिन हमारे हृदय में भी पकड़े जाएं, इस भाव के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हमें भी कमर कसनी चाहिए और साधना बढ़ानी चाहिए। तो संकल्प हमें कुछ ना कुछ देने चाहिए। तो संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डूज, एक होते हैं डोंट्स। तो डूज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन डोंट्स। हालांकि डोंट भी अगर आप करें बड़ी अच्छी बात है। जैसे एक बहुत अच्छा डोंट है, इस महीने हम सोशल मीडिया से व्रत लेंगे, इस महीने नो इंस्टाग्राम, इस महीने नो यूट्यूब शॉर्ट्स, इस महीने नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग वालों के लिए कि ये ऐसे करके ये ना करना, बहुत बड़ी तपस्या है ये यहाँ। तो इसलिए हम ये नहीं करके हम ऐसे ऐसे करेंगे इस महीने में, यानी शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो इसलिए डोंट्स फॉलो करें, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए कि आज से मैं ये नहीं खाऊंगा या ये मतलब मीठा नहीं लेंगे हम। तो हालांकि व्रत भी ऐसा है जो कि आप पालन कर सके, लेकिन हाँ डूज और डोंट्स में, डोंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन डोंट्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डूज, कि हमें क्या क्या इस महीने करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मैं करूँगा या करूँगी, ऐसा व्रत लेना चाहिए। सो इस प्रकार से हम जब व्रत लेते हैं देन वी ऑल्सो पुश आर सेल्स। मैं खाने और सोने वाला व्रत इतना रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज खाना सोना हमारा कम होता है, तुम्हारी शक्ति भी कम हो जाती है कि अगर हमने खाना कम कर दिया तो फिर हम कह रहे हैं नहीं शक्ति नहीं आएगी, या रात को मान लो आप 5 घंटा सोने का लिया आपने, तो जपा में अपनी नींद पूरी कर लेंगे फिर, या मैं 5 घंटे सो रहा हूँ और बाकी 2 घंटा यहाँ पे। तो इसीलिए नींद तो आप प्रॉपर ले लीजिए, ठीक है जी। प्रसाद भी अगर आप एक टाइम खाते हैं वैसे उससे शरीर कमजोर नहीं पड़ता, दैट ऑल्सो यू कैन डू, लेकिन हाँ ये इतना रिकमेंडेड नहीं है जितना कि भक्ति में जो डूज हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। तो इसीलिए हमें पालन करना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ हमें व्रत लेना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा करेंगे हम इस महीने में। साथ ही जो चीज़ कॉमन है विच इज़ फॉर एवरीवन, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। कोई भी व्रत हो, इवन अगर आप देखें अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर भी जो व्रत रखते हैं उसमें कम से कम व्रत के टाइम पे तो सहवास नहीं करना होता, मतलब जो कि अब्राहमिक रिलीजन्स है जो कि इतने स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, मोटा मोटा थोड़े से मोरालिटी वाले हैं, इवन उसके अंदर भी ब्रह्मचर्य का पालन रिकमेंडेड है। वो नहीं कर पाते बात और है, लेकिन रिकमेंडेड तो है। तो इसलिए कोई भी व्रत सफल होता है ब्रह्मचर्य के पालन से। तो वैसे ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, सो गृहस्थों को भी चाहिए कि इस महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस महीने पति पत्नी दे लिव लाइक टू ब्रह्मचारी जिंदगी ब्रह्मचारी आश्रम, ऐसा रहें और दोनों एक दूसरे का साथ दें भक्ति करने में। सो ब्रह्मचर्य इज अ प्री रिक्विजिट, ये एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी व्रत का पालन करने के, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर वो कार्तिक का व्रत हो, कोई भी अगर हम व्रत लेते हैं ये उसका बेसिक एक क्वालिफिकेशन है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी सेक्सुअल प्योरिटी को मेंटेन करना, सिर्फ बॉडली नहीं मन से भी। ऐसे नहीं मेंटल फैंटेसी से काम चला लेंगे इस महीने, शरीर से कुछ नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं। सो मानसिक रूप से भी शुद्धि और शारीरिक रूप से भी शुद्धि, तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है। ब्रह्मचर्य डजंट मीन कि वो मन में तो अपना खेल खेल लेता है, शरीर से कुछ नहीं करता, कहता है कोई बात नहीं चला लो ऐसे घसीट लो अपने आप को तुम ब्रह्मचर्य जीवन में। सो इसलिए एक महीना कम से मन से तन से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दैट्स अ बेसिक प्री रिक्विजिट फॉर एनी काइंड ऑफ फास्टिंग। और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें जहां तक हो सके भक्तों का संग करना चाहिए, यानी भक्तों के संग की परसेंटेज हमको बढ़ानी चाहिए इस महीने। कोई भी व्रत का पालन करना हो, व्रत के लिए हमको इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तो प्रेरणा के लिए हमें साधु संग तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपने सुना है ना फिजिक्स के अंदर जो रॉकेट होता है, रॉकेट को अगर आकाश में भेजना तो देयर इज एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वेलोसिटी से कोई चीज स्पेस में भेजी जाती है तो स्पेस में जाती है और ग्रेविटेशनल पुल के परे जा पाती है।
उस तरह से जगत के अंदर जो अज्ञानता का ग्रेविटेशनल पुल है, इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए, और वो एस्केप वेलोसिटी है प्रेरणा, और ये प्रेरणा मिलती है हमें भक्तों के संग में। तो इसलिए अपने इस महीने के स्केड्यूल कुछ इस तरह से बनाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा साधु संग कर सकें, वैष्णव का संग कर सकें, हरि कथा सुन सकें, ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो प्रेरणा मिलेगी, देन वी कैन कैरी ऑन विद आवर फास्टिंग। जो व्रत आप लेना चाहते हैं, डूज एंड डोंट जो भी है, उनको उनका पालन आप कर पाएंगे। ओके, और साथ ही इस कार्तिक महीने में हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव को प्रणाम भी करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। जितना प्रणाम करेंगे उतनी ईगो हमारी गिरेगी। तो जो यहाँ इतना बोझा रखा हुआ है, जितना ज्यादा प्रणाम करते हैं, प्रभु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये तो सिर्फ एक ही पीस है, तो इसलिए तो एक ही बार में गिर गया। हमारा बहुत स्टोर किया हुआ हमने काफी जन्मों से, वांछा कल्पत्री। तो ऐसे हर बार जब गिरेगा तो थोड़ा आपको कार्तिक मास के बाद हल्का लगेगा, हल्का हुआ आपके चाहिए, काफी रखा था मैंने। तो इसे भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए। इवन प्रणाम का भी आप व्रत ले सकते हैं कि मैं इतने प्रणाम हर रोज करूंगा। 11 प्रणाम से आप शुरू कर सकते हैं, 11 बार प्रणाम तो करें। 11 बार का मतलब ये नहीं कि भाई एक ही बार लेट गए तो उसी में 11 निकाल दिया आपने, उठे प्रभु जय हो, उससे वर्जिश भी हो जाएगी, आपका पुशअप्स भी हो जाएंगे, आपके फिजिकल मसल्स भी बन जाएंगे आपके, और साथ ही स्पिरिचुअल मसल्स भी बन जाएंगे। तो यस, हमको प्रणाम भी करना चाहिए। एक जो और हर व्रत की जो शुरुआत होती है वो है सुबह जल्दी उठ करके। सो कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और स्नान करता है तो उसके बारे में पंद पुराण के अंदर आता है, ब्रह्मखंड के अंदर। वहां पर श्री व्यास देव जी जैम ऋषि को बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 11 के अंदर, प्रातः स्नानम नरो श्री हरि प्रिय करोति सर्व तीर्थेषु यत् स्नात्वा तत् फलम लभेत। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं कार्तिक मास में, तो आपको सारे तीर्थों में जो पवित्र जल है उनमें स्नान करने का लाभ मिलता है। सोचिए, आपके घर में ही आपको गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इसमें स्नान करने का लाभ मिल गया घर में शावर लेते हुए। वाह, जय हो कार्तिक मास, क्या बात है। तो इसलिए ये तो बेसिक चीज है। हालांकि आइए देखो, कई चीजें जो बताऊंगा ना, आप कहोगे प्रभु जी तो पहले से कर रहे हैं। ऐसी प्रभुपाद जी की बड़ी दया है कि ना, हम जो कार्तिक मास के आपको रूल रेगुलेशन बताएंगे ना, कहेंगे ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये तो पहले से कर रहे हैं, कि प्रभुपाद जी ने हमारे रूटीन में डाल दिया, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, कहते हैं ये क्या, ये तो हम पहले से करते हैं। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी ने दिया है। बाहर लोग इतना नहाते धोते नहीं है, बाहर तो ड्राई क्लीन होकर के एक्स इफेक्ट हो गया, बस दैट्स इट। लेकिन स्नान करना ये बाहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सर्दी में भी, मतलब आप पानी को टच कराते हैं। तो कलयुग वाले तो नहाने धोने में इतने उस्ताद है, अरे क्या करें, सर्दी का बहुत मौसम है, शीशा देखा, शीशे के ऊपर अपनी प्रतिबिंब को देखा, उसे पानी डाल देते, हो गया स्नान, हो गया प्रभु, हो गया, यस। या अपनी परछाई देखी, उसे पानी डालने का, हो गया स्नान, हो गया भाई, हो गया, यस नाइस। तो इसीलिए स्नान करता है अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास के अंदर, तो पद्मपुराण के अनुसार जब वेदव्यास ही बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है कि उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। लेकिन आपको सुबह स्नान करने के साथ साथ सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा। कोई भी व्रत का पालन आप करना चाहते हैं, वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रात को टाइम से सो जाना। रात को टाइम से सोने का व्रत लीजिए कि मैं रात को 10 बजे सो जाऊंगा, ऐसा सो जाऊंगी, क्योंकि कुछों के लिए शाम जवान 10 बजे ही होती, कहते अभी तो 10 ही बजे है, इसमें अभी थोड़ी भी थोड़ी सो जाएंगे, काका जी सो जाओ। इसलिए हमें रात को सोने का भी अलार्म लगाना चाहिए, 10 बजे टैं टैं टू टू बजे, वो कहते भाई सो जाओ। उठने के अलार्म के साथ साथ रात को सोने का अलार्म भी होना चाहिए। तो आपने मान लो 10 बजे सोना, 9:30 का अलार्म लगाई कि भाई आखिरी आधा घंटा जो है फाइल फोल्डर सारे बंद करना है, ओके जी सत श्री अकाल, ओके खुदा हाफिज, शब्बा खैर, हरे कृष्णा, कर करा करके सारे फाइल फोल्डर बंद कर करा करके फिर आधे घंटे में सो जाओ। तो जितने बजे सोना है उसके आधे घंटे पहले का अलार्म लगाना चाहिए। तो रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, 4 बजे उठें, 6 घंटे की अच्छी नींद लें ताकि आपको जपा में नींद ना आए, पढ़ने वगैरह में नींद ना आए, अच्छी नींद दे करके 6 घंटे की, देन शुड गेट इनटू। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए, और स्नान करने में करोति सर्व तीर्थेषु यत् स्नात्वा तत् फलम लभेत। तो आपको सारे तीर्थों में स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो कि हम कार्तिक में करते हैं, वो है भगवान को दीप दिखाना। तो स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं, वैष्णव खंड है, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 98। तो वहां बताया जा रहा है, दास्यन्ति ये कार्तिक मासासि मार्त्या व्योम प्रदीपम
पश्यन्ति ते नैव कदापि देवं यमं महाक्रूर मुखं मुनिन्द्र. Those who offer lamp for the pleasure of the Lord in the month of Kartik, they will never see the face of ruthless Yamraj. तो यमराज और यमदूतों के चेहरे कभी देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप कार्तिक मास में क्या करते हैं, सिर्फ भगवान को दीप दिखाते हैं. या भगवान मेरी भक्ति डीप नहीं है, ये मैं आपको दीप दिखा रहा हूं, मेरी भक्ति को डीप करिए. तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दीप दिखाता है उसको यमराज के चेहरे देखने का सौभाग्य आप नहीं हो. बोलो कह प्रभु जी एक बार दिखा दो. सॉरी सर, दीप दिखाया था आपने कार्तिक. हाँ जी, अब आप यमराज और यमदूतों का चेहरा नहीं देख पाएंगे. हल्का सा, सो सॉरी, नॉट इवन फॉर वन माइक्रोसेकेंड, नॉट अलाउड. क्या करें? तो बोला हम दीपदान वाला क्यों करते हैं? दीपदान करने का एक बहुत बड़ा पर्पस है. जब दीप का अर्पित करते हैं भगवान को, उस वक्त हम भगवान के रूप पे मेडिटेट करते हैं. तो भगवान के रूप पे मेडिटेट करने से क्या होगा, जो संसार के रूप रंगों में जो हमारी बुद्धि घूमी हुई है, ये उससे हमारा मन बाहर आ पाता है. नैनों की मनमानी हो रे, नैना डस लेंगे. हाँ, नैना बड़े डेंजरस है भैया जी, नैना कहाँ कहाँ फंसाएंगे हमको पता नहीं है. हाँ, और जिनके चार चार नैना, उनको तो और सामना है नैना. तो इसलिए नैन हमारे गलत जगह ना फंस जाए, इसलिए नैनों में तो इसलिए दीपदान जब करते हैं तो भगवान के रूप पे मेडिटेट करना चाहिए. ऐसे नहीं जल्दी जल्दी कर ले, 4 2 3 7 4 2 3 7 हो गया. सर मेडिटेट करिए, सर मेडिटेट करना है भगवान के रूप पे. यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, दोज हु मेडिटेट ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड देन ऑल द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड अपीयर पेल टू अस. वो फिर फीकी, वो पीली नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान का रूप रंग बड़ा आकर्षक है. तो ये करना चाहिए. साथ ही विद फीलिंग्स एंड डिवोशन हमको दीपदान करना चाहिए, फीलिंग्स के साथ करना चाहिए. यानी उस वक्त बातें नहीं करनी चाहिए. जैसे कई बार देखा लोग दीपदान करते बातें भी करते हैं, और फिर क्या हुआ ना, फिर मैंने धोती कुर्ता खरीदा, फिर आगे बढ़ा ऐसे करके फाइनली रख करके आगे बढ़ जाते. बिकॉज इट बिकम्स अ एवरीडे रिचुअल. सो रिचुअल के तौर पे नहीं करना चाहिए हमें, इसको भाव के साथ करना चाहिए. साथ ही हम जब दीपदान कर रहे होते हैं, आप देखो किसका चेहरा चमक रहा होता है ज्यादा अंधेरे में, हमारा. अंदर तो खूब सारे दीप ऐसे हो रखे हैं, जब हम दीप ऑफर कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमारा चेहरा भगवान को नजर आता है. राइट, मैंने भगवान को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता नहीं है भगवान को हमारा चेहरा देखने के लिए. पर ये करके वास्तव में हम अपने आप को भगवान के सामने इंगित करवा रहे, कृष्णा दैट्स योर दास, मैं आपका दास थे, ये मैं दास आपका, कार्तिक मास में मैं आपको ये दीप प्रज्वलित मैं अर्पित कर रहा हूं. इस भाव के साथ हमको भगवान को दीपदान करना चाहिए. साथ ही बताया गया पद्म पुराण के अंदर उत्तरखंड है चैप्टर 121 में, इसमें कॉन्वर्सेशन है शिवजी और कार्तिकेय जी की. तो वहां क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं तेनिष्ठम कृतुभि हनम दीपदानम कृतम येना कार्तिकेय केशवाग्रतः. तो केशव आग्रता, भगवान केशव के आग्रता, उनके सामने जाना चाहिए. क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में दीपदानम कृतम, दीप हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए. अगर ऐसे करेंगे तो फिर भला क्या लाभ होगा? तो बताया तेनिष्ठम कृतु भी सर्वे, जितने भी यज्ञ इत्यादि दुनिया के जहान के अंदर हैं, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऐसा यज्ञ, वैसा यज्ञ, ये सारे यज्ञों को सैकड़ों गुना फल से भी ज्यादा फल आपको प्राप्त हो जाता है अगर आप सिर्फ ये दीपदान करते हैं. सोचा वो कुछ ऐसे हवन कुंड ये स्वाहा स्वाहा नहीं करना, कुछ नहीं, जस्ट मैं ऑफरिंग दीप. सो तिष्ठम कृतु भी सर्वे कृतम तीर्थावागहनम, यानी कि आप सारे तीर्थों में जो है वहां पर नदियों में स्नान करके आ गए आप सिर्फ दीपदान करने से. तो इस प्रकार से भगवान को हमें दीप अर्पित करना चाहिए, भगवान पे ध्यान देते हुए. इसका मतलब यह है कि दीपदान करने के लिए भगवान की विग्रह सेवा करना आवश्यक है. तो जो लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा, ये बेचारे कभी दीपदान नहीं कर पाते. क्यों? तो मानते नहीं विग्रह को, ये तो मूर्ति मानते हैं उनको. तो इसलिए यह करना चाहिए. अच्छा, ये करेंगे तो फिर भला फिर भगवान क्या करते हैं फिर इसमें? जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया की जय, प्रभु सुदर्शन की जय, श्री गौनिथाय की जय, गिरिराज महाराज की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय. तो हम जब भगवान को दिया देते हैं तो दिया के साथ में फीलिंग भी देते हैं. तो दिया तो दिया के साथ अपना जिया भी दिया. तो जब जिया दिया तो भगवान कहते तूने अपना जिया दिया, तो हम क्या बैठे रहेंगे, क्या खा लेंगे? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो भगवान भी अपना जिया देते हैं. तो भगवान क्या करते हैं ऐसे भक्त के साथ? तो भगवान गीता के अंदर क्या बता रहे हैं, तेषाम एवानुकम्पार्थम, मैं कृपा दिखाता हूं ऐसे भक्तों के प्रति. तो क्या करता हूं भला, किस रूप में कृपा दिखाते हैं भगवान? अहम ज्ञानम अजम तमह, यानी कि भक्त के हृदय में जो अज्ञानता है मैं उसको
नष्ट कर देता हूं। कैसे नष्ट करता हूं? नाशाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। सो ज्ञान के दीपक से, भक्ति के दिव्य ज्ञान के दीपक से भगवान हमारे हृदय की अज्ञानता को काट देते हैं। तो इसलिए ये दीपों का एक्सचेंज है, हम भी भगवान को दीप दे रहे हैं, भगवान भी दीप, ज्ञान दीपे न भास्वता, वो भी हमको ज्ञान का दीपक देते हैं, भक्ति के ज्ञान का दीपक देते हैं। और ये जो दीपदान है, इट इज सच अ फेमस फेस्टिवल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, कि इंडोनेशिया जैसे देश, मलेशिया जैसे देश, यहां पर जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहां पर हर साल 12 मिलियन दीपदान किए जाते हैं। यानी इवन मुस्लिम्स भी आकर ये दीपदान करते हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर भी सिमिलरली 5.7 मिलियन पीपल लास्ट ईयर दे ऑफर्ड दीप टू द लॉर्ड। दामोदर होता है, दामोदर मंथ है, कई लोग आते हैं कहते हैं और क्या है जी, थोड़ा दीपदान करेंगे, दामोदर शतकम गाएंगे। पार्कों में प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलोनीज में प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर जाकर के डिवोटीज ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स, एंड मेनी मेनी पीपल दे कम एंड ऑफर दीप, भगवान को दीप अर्पित करते हैं, शिव दामोदर जी को या फिर राधा दामोदर जी को दीप अर्पित करते हैं। साथ ही हम तुलसी महारानी को भी दीप अर्पित कर सकते हैं, तो ये भी रिकमेंडेड है कि हम कार्तिक मास में तुलसी महारानी को दीप अर्पित करें, तो ये भी कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, साथ में बताया जाता है कि अगर आप फ्लावर गार्लैंड ऑफर करते हैं भगवान को इस महीने, तो उसका भी बहुत लाभ है। तो ये श्लोक आता है पद्म पुराण के अंदर, सेक्शन 3 ब्रह्म कांड के चैप्टर 20 वर्स नंबर 6 के अंदर, कॉन्वर्सेशन बिटवीन सूत गोस्वामी एंड शौनक ऋषि। बताया जा रहा है, राधा दामोदरभ्याम यह पुष्पम माल्यम कार्तिके मासी सा दद्या द्याति वैकुंठ मंदिरम। अ वुमन हु ऑफर्स अ गार्लैंड ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स टू राधा दामोदर इन द मंथ ऑफ कार्तिक गोज टू वैकुंठ। तो ऐसा नहीं सिर्फ माताओं के लिए है, प्रभुस के लिए भी है। वो सोचे ठीक है माता जी आप ही ऑफर करिए, आप ही के लिए बताया गया है जी, सभी के लिए है। तो इसलिए भगवान को हमें फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ऑफर करना चाहिए और इनका गार्लैंड बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यानी कि ऐसे पुष्प हमें भगवान को ऑफर नहीं करने चाहिए जिसमें कि सुगंध नहीं होती। जैसे भी आजकल आ गए हैं ना, ये कौन सा आता है इसको क्या बोलते हैं, हाँ ऑर्चिड, ऑर्चिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्किड, ऑर्किड, ऑर्किड के अंदर कोई सुगंध होती ही नहीं। इसीलिए ऐसी माला जो है पहनने में तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन उसमें सुगंध कुछ नहीं होती। तो सुगंध वाले जो फ्लावर्स हैं इनकी माला बना करके भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो भगवान को जो माला पहनना है, कृष्णा रवि लाइक्स दिस, इस अंदर बड़ी सुंदर से एक आलवार है, अंडाल आलवार, जो एक गोदा देवी के नाम से भी जानी जाती है, एंड शी अपीयर्ड अंडरनीथ अ तुलसी ट्री। तो वहां पर उन एक बहुत ही महान के शुद्ध भक्त थे, उनका नाम था विष्णु चित्तीर, जो कि श्री विलीपुत्तूर में थे। तो वहां पर वो उनको ये मिली गोदा देवी, एंड शी वाज राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, रीजन बीइंग वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार मानी जाती है गोदा देवी। और उन्होंने भगवान रंगनाथ को देख करके उनके बारे में सुन करके उनका इतना प्यार था कि जब गार्लैंड वो बनाती थी तो गार्लैंड पहले खुद पहनती थी और खुद पहन करके देखती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था अगर मैं जीवन में कभी अपना पति चुनूंगी तो मैं रंगनाथ जी को चुनूंगी, रंगनाथ जी ही मेरे पति हैं, मैं इस दुनिया के हड्डी मांस के लोथड़े वाला पति नहीं चुनूंगी मैं, क्योंकि सबके सब बदमाश होते हैं। सो मेरे को तो मेरे स्वामी है रंगनाथ स्वामी, दैट्स इट। तो अगर मैं उनकी पत्नी बनूंगी तो पत्नी बनकर के मैं ऐसे गार्लैंड पहनूंगी तो कैसी दिखूंगी। तो रंगनाथ जी का गार्लैंड वो खुद पहनती थी और पहले शीशे में देखती थी, उसके बाद फिर उसको उतार के देती थी, अब ये रंगनाथ जी को पहनेंगे। तो एक समय ऐसा हुआ रंगनाथ जी के ऊपर जो गार्लैंड चढ़ाया गया तो उसमें देखा एक लंबा सा बाल है, ये लंबा बाल बाल कैसे आया? तो विष्णु चित्ति ने देखा इतना लंबा बाल मेरी शिखा का तो है नहीं, तो ये बाल भला कहां से आया? तो बेटी से पूछा बेटे ये बाल ये बाल तुम्हारा? कहती हाँ ये बाल तो मेरा है। क्या तुम्हारा बाल ये माला के अंदर कैसे आया? क्योंकि ना रोज मैं माला बनाती हूँ रंगनाथ जी के लिए तो पहले मैं उसको पहन के देखती हूँ कि उन पे भला कैसे लगेगा, और दूसरा अगर मैं उनकी पत्नी होंगी तो फिर मैं अगर मेरे को भी गार्लैंड होगा तो फिर मैं भी उनकी वाइफ दिखनी चाहिए ना भाई, हाँ भाई ये पति पत्नी हस्बैंड वाइफ, तो इसीलिए फिर मैं ये पहन के देखती हूँ। तो उनको बड़ा दुख हुआ यार, ये तो बड़ा है, तो अपराध हो गया है, तो पहले हम पहने और उसके बाद फिर भगवान को पहनाए तो ठीक नहीं है। उनका नहीं नहीं अब तुम ये सेवा छोड़ो, तुम्हारे से हम ये हार नहीं बनवाएंगे, तुम ये करती हो। तो उसके बाद से उन्होंने फिर खुद माला बना करके अर्पित करना शुरू कर दिया। भगवान सपने में आए विष्णु चित्र के कि वो वाली माला कहाँ है,
जो कि तुम्हारी बेटी गोदा देवी वो पहन के देती है, वो चाहिए मेरे को। प्रभु लेकिन वो तो ऐसे आपको तो फ्रेश हो ना, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस के साथ जो तुम्हारी बेटी की जो खुशबू है, मुझे वो खुशबू चाहिए, वो सुगंध चाहिए मेरे को। इसीलिए गालन बनेगा, पहले तुम्हारी बेटी पहनेगी और फिर मेरे को अर्पित होगा। तो इस प्रकार से उनको फिर ये गालन इस प्रकार से अर्पित होने, एंड ऑफ कोर्स अंडाल, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का विस्तार है तो इनका कल्याणम, यानी शी हैज गॉट दिस मैरिज सेरेमनी विद विद द लॉर्ड लॉर्ड रंगनाथ। सो गार्लैंड्स आर वेरी डियर टू कृष्णा। तो इसीलिए गार्लैंड्स जो माताएं बना रही हैं, विशेष रूप से अभी कार्तिक महीने में, तो जो माताएं गार्लैंड बनाती हैं उनको तो विशेष लाभ मिलेगा मिलेगा इसके अंदर। सो इसीलिए हमें वैसे भी गार्लैंड बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। सो प्रभु भी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं। इसमें ईगो वाली बात नहीं कि ये तो माताओं की सेवा है, दिस इज फेमिनाइन काइंड ऑफ सर्विस, वी आर मैस्कुलिन। इस भ्रम से हमें बाहर आना चाहिए, भगवान पुरुष हैं, बल्कि पुरुषोत्तम हैं और हम प्रकृति हैं। तो इसलिए इन अ वे वी ऑल आर फेमिनाइन। ये बाहर से बायोलॉजिकली हो सकता है किसी दाढ़ी वाड़ी हो ऐसी मोटी आवाज उसकी, लेकिन हैं तो अल्टीमेटली हम सब प्रकृति ठाकुर जी के, राइट। तो इसीलिए इस प्रकार की सेवा भी हम लग सकते हैं। तो भगवान को हमें गार्लैंड भी ऑफर करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए इस महीने, साथ ही बताया जाता है कि अगर कोई विष्णु देवालय यानी भगवान श्री हरि का मंदिर अगर साफ करता है तो भला क्या लाभ मिलता है। विष्णु देवालय प्रातः सम्मार्जति कार्तिके तस्य वैकुंठ भवने जयते सुदृढ़ गृहम। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, अ पर्सन हु क्लेंजेस द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड हरि अर्ली इन द मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अ वेरी नाइस हाउस इज क्रिएटेड फॉर हिम इन द वैकुंठ। तो वैकुंठ में यानी गोलोक वृंदावन में आपके लिए भी क्वार्टर रिजर्व कर दिया जाएगा, 3 BHK 4 BHK व्हाटएवर विला जो आप चाहते हैं, इट विल बी गिवन टू यू इन गोलोक वृंदावन। कैसे, मंदिर में आकर के साफ सफाई करके, दैट्स इट। कभी लोग आके पूछते हैं प्रभु जी हमारे लिए कोई सेवा है, सेवा ही सेवा है, डस्टर लो, खिड़कियां साफ करो, पोछे लगा लो, बहुत बढ़िया। वैसे बेस्ट तो यही है कि भक्त लोग ही मंदिर में साफ सफाई करें, पर भक्त लोग जो बहुत बिजी होते हैं फिर हमें क्लीनर रखने पड़ते हैं कि चलो तुम ही क्लीनिंग कर दो, हम सब साफ सफाई तो रहे। लेकिन हमें वैसे मंदिर आना चाहिए तो कुछ ना कुछ हमें हल्की फुल्की सेवा, कम से कम कुछ ना कुछ तो सेवा अवश्य करनी चाहिए। वो चाहे शीशे साफ करना हो, फ्लोर साफ करना हो। जैसे मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसने बोला प्रभु जी मेरे को सेवा है। मैंने कहा हमारे यहाँ सेवाएं तो सब ऑलरेडी फिक्स्ड अप है। तो उसने क्या किया, वो पेंट लेकर के आया, पेंट लेकर के आया और तुलसी महाराज के जो गमले हैं उसमें उसने पेंटिंग करनी शुरू कर दी। मतलब जिसको सेवा करनी होगी वो सेवा ढूंढ लेगा, जिसको नहीं सेवा करनी होता कहा हाँ जी सेवा ही नहीं है, सेवा ही नहीं है, सो जाओ। तो जिसको सेवा करनी होती है वो सेवा ढूंढ लेता है वो, यस। फिर उसने सारी पेंटिंग कर ली, मैंने कहा अब देखते हैं अब क्या करता है। वो जा करके वो तुलसी महारानी गार्डन वहाँ गार्डन में गया, वहाँ उसने गुड़ाई कर दी, खुरपी लेकर के आया, गुड़ाई कर दी, खाद डाल दी वहाँ पर, गया गौशाला गया, वहाँ से कंडे लेकर के आया, गोबर के कंडे लेकर के आया, उनको कछुअर बनाया, पानी डाल करके उनको गीला गीला किया और सारी तुलसी गार्डन में डाल दिया उसने। जिसको सेवा कर रहे हो सेवा ढूंढ लेता है वो। तो इससे मंदिर आ करके हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में कुछ साफ सफाई वगैरह भी करनी चाहिए। वैसे मंदिर जब भी आए ना हम, अभी हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमने हमारे प्रिय है ना प्रभु, तो हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जब भी आए तो कुछ ना कुछ लेकर के आए, भले ही एक गुलाब का फूल लेकर के आए, रुक्मिणी द्वार करीश वही करना चाहिए। ये तो जो वैसे होते हैं जो संसारी लोग होते हैं वो रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, प्रभु इच्छा पूरी कर दो, इच्छा वन, इच्छा टू, इच्छा तीन, इच्छा 108, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर जब आना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए, कुछ हल्का फुल्का लेकर के आए, लेकिन लेके आना चाहिए। अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे खाली आ चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए हमें। बट यस वी के वी शुड डू सम काइंड ऑफ सेवा। और भगवान का मंदिर जब हम साफ करते हैं तो हमारा हृदय साफ होता है, हृदय का मंदिर तो साफ करना है, राइट। तो एक पर्टिकुलर अगर देखा जाए टिपिकली बद्ध जीव का हृदय, इट इज नॉट अ टेम्पल, बल्कि वहां तो प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमासरे, इन प्रोस्टिट्यूट्स को हटाना है और ये प्रोस्टिट्यूशन हाउस को ट्रांसफॉर्म करना है मंदिर में। सो ये इसी क्लेंजिंग होती है जब यहाँ क्लेंजिंग होती है, तो मंदिर हम सबको मिलकर के साफ करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, तो बताया जा रहा है इसको, ये चीज आती है श्री हरि भक्ति विलास के अंदर, बता रहे श्री सनातन गोस्वामी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम व्रज, नहीं और कुछ और है यहाँ पर अभी, सर्वधर्मान परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रतः, सर्वधर्मान परित्यज्य सब प्रकार की और बाकी विधियों को छोड़कर क्या करना चाहिए, कार्तिक मास में केशव आग्रतः, भगवान केशव के सम्मुख
हमें जाना चाहिए। और फिर वहां जाके क्या करना चाहिए, शास्त्रावतरणम पुण्यम श्रोतव्यम महामुने, हमें वहां पर जाकर के शास्त्रों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये भी करना चाहिए, क्योंकि अब आप ये पढ़ना अगर कम कर देंगे तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो क्या करें फिर, हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, बोल बोल करके पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए, हरि कथा को हमें सुनना चाहिए। शेषा लोभ बुद्धि आवा यह करोति हरे कथाम, कार्तिकेय मुनि शार्दुल कुला नाम तार ये छतम। तो हे शार्दुल, दैट मीन्स हो टाइगर लाइक मैन, हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्तिक मास के अंदर हरि कथा को सुनना चाहिए, करोति हरे कथाम, हरि कथा करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। तो आप मंदिर आके करें बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते यूट्यूब पर सुन लें, लेकिन हमें कथा सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे तो कथा से हमारा जो मन है वो भगवान में लगता है, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण कथा से कृष्ण नाम प्राप्त होता है। तो जो लोग कृष्ण कथा में नहीं आते, उसे हम सिर्फ नाम लेंगे, नाम ही सब कुछ है, काका जी आप नाम भी नहीं ले पाओगे, नाम सूखा सूखा मुंह से निकलेगा, जिसमें मुंह सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है बार बार, वैसा वाला वैसी वाली कथा वैसा वाला नाम होगा, बस दैट्स इट। तो इसे कथाओं में आना चाहिए, हरे कथाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए। कितनी सुननी चाहिए, उतनी सुननी चाहिए जब तक आप बेहोश ना हो जाए, तब तक सुनना चाहिए। फिर होश में आएंगे फिर क्या करेंगे, फिर कथा सुनेंगे, कब तक, जब तक बेहोश ना हो जाए, फिर वापस होश में आएंगे क्या करेंगे। हाँ, इस प्रकार से कार्तिक का महीना हमको बताना चाहिए, बिताना चाहिए। तो इसीलिए हमको इस प्रकार सर्वधान प्रत्यज कार्तिकेय केशव आग्रतः, और साथ में इसमें भगवान का जो नाम है इसको सुनना चाहिए। अब नाम के साथ साथ ऑफकोर्स कहीं बड़ी सुंदर स्तुतियां भी हैं, जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम भी गाते हैं, राधिका अष्टम भी गाते हैं, इसको भी आप गा सकते हैं। गोपी गीत, गोपी गीत जो गोपियों ने जो गीत गाया कृष्ण के लिए, वो कार्तिक के महीने में गाया था, जिससे गोपी गीत भी गा सकते हैं। वृंदावन के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक सारे मंदिरों में कार्तिक के महीने में गोपी गीत होता है। तो गोपी गीत है, कई लोग गा तो लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते। आप जो भी गाते हैं, चाहे दामोदर अष्टकम हो, राधिका अष्टकम हो, या फिर गोपी गीत हो, अगर आप गाते हैं लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता, ये दामोदर अष्टकम है ना, कई लोग गा लेते हैं लेकिन उसको उनको मतलब नहीं पता उसका, तो ऐसे में आपको भक्ति का लाभ नहीं मिलता, आपको सिर्फ पुण्य मिलते हैं उसके अंदर। वी गेट सम भक्ति उन्मुखी सुकृति की भी, दामोदर अष्टकम गाया है तो लाभ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन मीनिंग पता, कहीं पता किया आपने, नहीं कभी पढ़ा इसके बारे में, इसको जानते हो, इसमें कमेंट्री भी लिखी किसी आचार्य ने, श्री सनातन गोस्वामी नाम के व्यक्ति ने। तो क्या करते हो कार्तिक में, खाते पीते हैं। तो इसीलिए दामोदर अष्टकम जब हम गाएं तो उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग पढ़ने का कष्ट कौन करे, तो बस आओ, अच्छा एनवायरमेंट बना होता है इस्कॉन टेम्पल के अंदर, सब जगह पर मोमबत्तियां लगाई हुई हैं, दिए जलाए हुए हैं, अंधेरा हुआ होता है, बढ़िया एम्बियंस होती है उसके अंदर, नामामीश्वरम इट गिव्स मी सच गुड फील। तो गुड फील के साथ साथ मीनिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या गा रहे हैं, क्या ये है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, क्या होता है लसत कुंडलम, कहता है ये तो कुंडलम, मेरी वाइफ के कुंडल बहुत अच्छे हैं और बाकी पता ही नहीं लसत कुंडलम। तो इसीलिए हमें शब्दों की मीनिंग को लेकर के फिर उसको मीनिंगफुली गाना चाहिए, नहीं तो हमें से सुकृति प्राप्त होगी। जैसे ब्रह्म संहिता भी गा सकते हैं, नंदनाष्टकम भी गाते हैं लोग, राधा कृपा कटाक्ष भी गाते हैं, जो शिवजी ने गुणगान किया श्रीमती राधा रानी का, लेकिन आप जो भी गाएं लेकिन उसमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट यू एक्चुअली फील, उसके बिना फीलिंग आती ही नहीं है। एक रिचुअल के तौर पे वो हो जाता, पूरा हो गया आखिर में हो गया, नमो राधिका है द्वादिया प्रिया है, चलो उठो जी दीपदान करना है, उठ जाते हैं लोग झुक 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 करके, फिर झुक झुक जी हो भाई हो गया। तो मीनिंग पे कॉन्टेम्पलेट करें, ये होमवर्क होना चाहिए, आज मैं अगर गाऊंगा दामोदर अष्टकम तो मीनिंग के साथ गाऊंगा, फीलिंग के साथ गाऊंगा वो एक एक शब्द, यस। तो इसलिए ये भी हमको गाना चाहिए, साथ साथ वैष्णव सॉन्ग्स को भी गाना चाहिए। हालांकि हमारे वैष्णव सॉन्ग्स यार संस्कृत और बंगाली, पर उसमें भी मीनिंग के साथ गाएं, दैट ब्रिंग्स मोर कनेक्ट। तो भक्ति ना हमें हृदय से करनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट शुड नॉट बी जस्ट टंग डीप एक्सरसाइज, इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट। तो हृदय के साथ करना चाहिए, जो कार्य करें हृदय से करें,
आप भक्ति जिस अंग से करेंगे ना वो अंग शुद्ध हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ इंद्रियों से किया तो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, अगर मन के साथ किया तो मन आपका शुद्ध हो जाएगा, चित्त को लगा करके किया तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो भक्ति में जो चीज लगेगी वही शुद्ध होगी। तो सिर्फ इंद्रियां शुद्ध करनी है क्या हमें? ये मन भी तो शुद्ध करना है, सारी बदमाशियां तो वहां भरी पड़ी हैं, राइट? ये चित्त को तो शुद्ध करना है हमें, नहीं तो इस संसार के अंदर हम चित्त होए रखे हैं, होए रहेंगे अपनी इच्छाओं के आगे। तो इसीलिए इन सबको गाएं तो मीनिंगफुली गाएं, ये कहना चाहिए। और ऑफकोर्स अगर आप मंदिर आए दैट इज बेस्ट, अगर आप मंदिर नहीं आ सकते तो घर में करें, परिवार वाले इकट्ठा हो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मिल करके सबको गाना चाहिए। यस, और एक बार ना आप देखिए, एक बार कार्तिक मास में अगर आपका रिचुअल बन जाता है, ये एक रूटीन बन जाता है, फिर आप कार्तिक मास के बाद भी देन यू कैन कंटिन्यू, मे बी सम अदर अष्टकम, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन घर पे हो या चाहे मंदिर में हो, कार्य तो हमें ये करना है। और हमें क्या करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर? तो कार्तिक मास में भगवद गीता पढ़ने का बड़ा क्या लाभ बताया गया, तो ये आता है स्कंद पुराण के अंदर, वैष्णव खंड, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास, चैप्टर 2 वर्स नंबर 49 एंड 50। सो यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को, क्या बता रहे हैं? कार्तिकेय मासी विपेन्द्र यस्तु गीता पठे न रहा, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में गीता का पाठ करता है तस्य पुण्य फलम पक्तुम। अब मैं तुमको क्या बताऊं कितना फल प्राप्त होता है। मम शक्तिर न विद्यते, मेरे में शक्ति ही नहीं है ये बताने की कि कितना लाभ मिल जाता है कार्तिक मास में भगवदगीता पढ़ने से। सेकेंडली व्हाट इज इट, टेक दिस वाओ, इन दिस मंथ वी विल कंप्लीट भगवदगीता, क्योंकि कुल मिलाकर 900 पेज है, रोज 30 पेज पढ़ेंगे, 30 पेज पढ़ेंगे, 30 दिन में पूरी भगवदगीता कंप्लीट। जैसे कहीं रिवोटी से टेक दिस वाओ कि ओके, हम विश्वनाथ चक्री ठाकुर की जो कमेंट्री हो पढ़ेंगे, सरार्थ वर्षणी, भागवतम पे है उनकी कमेंट्री सरार्थ दर्शनी, और भगवदगीता पे जो कमेंट्री है श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की उसको बोलते हैं सरार्थ वर्षणी, कि हम सरार्थ वर्षणी टीका पूरी करेंगे, भगवदगीता कंप्लीट करेंगे, या गीता भूषण पढ़ेंगे, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण की कॉमेंट्री है भगवदगीता पे, हम वो पूरी करेंगे इस महीने। तो इस तरह से ये जो पढ़ने लिखने वाली वाओ है, दैट्स वेरी गुड, कि ये बुक कंप्लीट करनी है। तो बताया जा रहा है यहां पर तस्य पुण्य फलम वक्तुम न शक्ति न विद्यते, मेरे में शक्ति ही नहीं है ये बताने की कितना फल प्राप्त होता है अगर आप भगवदगीता पढ़ते हैं तो। अच्छा, भगवदगीता के बारे में फिर क्या बताया गया? गीता या सु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति, सो भगवदगीता के समान तो शास्त्र ना भूतम, ना भूतकाल में, ना भविष्यति, ना भविष्य काल में, ऐसा ना तो कुछ शास्त्र हुआ है ना कभी होगा। सर्वपहार नित्यम गीत गई मोक्षदायिनी, ये मोक्षदायिनी है, भगवान गोविंद के चरणों में मोक्ष प्रदान करती है ये भगवदगीता। जैसे गीता महात्म के अंदर भी आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सारे वैदिक शास्त्र जो है वो अगर गाय के समान है तो उसका एसेंस है श्रीमद भगवदगीता। हालांकि गाय से हमें और चीजें मिलती हैं, गोबर ही मिलता है, गोबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें गो अर्क भी मिलता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर सबसे अधिक बेनिफिशियल क्या है पूरे गाय के पूरी बॉडी के अंदर? मिल्क, क्योंकि उससे हमें दूध ही मिलता है, छाछ मिलती है, दही भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब कुछ उसी से आने का है। तो वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं और लाभदायक है, नो डाउट, बहुत कुछ मिलता है हमें, कर्म कांड के लेवल भी है उसमें, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, मिश्रित भक्ति भी है, सब है उसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पाठ है शास्त्रों का जहां शुद्ध भक्ति की बात हो, तो भगवदगीता क्योंकि शुद्ध भक्ति की और हमें अग्रसर करती है, तो इसलिए भगवदगीता सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं गीता के बारे में? गीता में च उत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, सो गीता का उत्तम स्थान है, गीता में परमम पदम सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्रीमद् भगवदगीता का, गीता में परमम गुह्यम, भगवदगीता बहुत ही गुह्य शास्त्र है। गीता में परमो गुरु, गीता वास्तव में परम गुरु है, तो इसलिए गीता की शरण जाना चाहिए। साथ ही बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, गीता आश्रय यम तिष्ठामि, गीता में परमम गृहम, तो इसलिए मैं तो भगवदगीता में ही अपने आप को तिष्ठामि, आई वॉन्ट टू सिचुएट माई सेल्फ इन द नॉलेज ऑफ भगवदगीता। गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोक प्रलाम्य हम, यानी पूरे जगत को मैं संभालता हूँ, त्रिलोकों को संभालता हूँ कैसे? भगवदगीता के ज्ञान के द्वारा। तो भगवदगीता की बहुत महिमा है, तो विशेष रूप से कार्तिक के महीने में तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जी मेरे भी बस का नहीं है बता सकूं कितना ही लाभ मिलता है भगवदगीता पढ़ने का। सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल दैट यू कंप्लीट एंटायर भगवदगीता इन द मंथ ऑफ कार्तिक। और भगवदगीता पढ़ने का मतलब आपको अनुवाद ही पढ़ना है और तात्पर्य भी पढ़ने हैं, अदरवाइज आप अनुवाद अनुवाद पढ़ करके तो एक दिन में आप भगवदगीता पढ़ सकते हो, हम जैसे करते भी हैं, भगवदगीता एक दिन में 3-3.5 घंटे में पूरी भगवदगीता कंप्लीट हो जाती है। तो ये नहीं सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ ली, ना ना ना, तात्पर्यों के साथ पढ़ेंगे हम, तो ये करना चाहिए। अच्छा भगवदगीता पढ़ेंगे, अच्छा लेकिन भागवतम
वो पढ़ना चाहिए। हाँ जी, भागवतम पढ़ने के लिए भी आता है हरि भक्ति विलास के अंदर, यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने। तो अगर कोई व्यक्ति भागवत के श्लोकों का पाठ करता है, अष्टादश पुराणानाम कार्तिकेय फलमाप्नुयात, यानी कि सारे पुराणों को पढ़ने का लाभ मिल जाता है भागवतम के एक श्लोक को अगर आप पढ़ते हैं कार्तिक मास के अंदर। सो पर्सन हु विद हिज कंट्रोल सेंसेस रीड्स इवन अ सिंगल वर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम डेली इन द मंथ ऑफ कार्तिक विल अचीव द रिजल्ट ऑफ रीडिंग ऑल द 18 पुराणास। 18 पुराण तो पढ़ने का हमारा बूता है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 4.5 लाख श्लोक हैं। सो पढ़ी लेंगे सब। स्कंद पुराण में अकेले 80,000 श्लोक हैं। पढ़ो, कह 80,000 छोड़ो, भागवतम के 18,000 पढ़ लिए तुमने? नहीं सर, 1947 से आज तक नहीं पढ़ पाए हम। तो इसलिए फिर 4.5 लाख श्लोक तो फिर हम क्या ही पढ़ेंगे। तो हम कुछ तो आपको लेकिन लाभ चाहिए, कहते हैं हाँ लाभ चाहिए। काम मतलब काम चोरी वाला काम है। हाँ जी ठीक है, तो इसमें कर लो कार्तिक मास के अंदर। कार्तिक मास में एक श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब एक श्लोक पढ़ के बस हो जाएगा, तो बस इतना ही लिखा था एक श्लोक। आप नहीं बताया, अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को सहमत कर करके एक श्लोक पढ़ता है तो नहीं। भागवतम हमको पढ़ना चाहिए, भर भर के पढ़ना चाहिए। एक समय राधा गोविंद महाराज के पास एक भक्त आया, कहता महाराज भागवत पढ़ता तो हूँ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ने कहा रोज कितना घंटा पढ़ते हो? कहता महाराज रोज 2 घंटा पढ़ लेता हूँ। महाराज हंसे कुछ देर, तो महाराज हंस दिए। कहता महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? महाराज का 2 घंटा से क्या होता है, क्योंकि महाराज खुद 10-10 घंटा पढ़ लेते हैं इसीलिए। स्पेशली जिस दिन भागवत कथा होती है श्री राधा गोविंद महाराज की, महाराज उस दिन 10-12 घंटे भागवत पढ़ते हैं। सुबह 4 से 6 16 माला करके 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक महाराज भागवत पढ़ते हैं। ही इज इन मेडिटेशन। उसके बाद जाकर कथा करे। सोचिए अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे भागवतम में डूब करके फिर कथा करे तो क्या ही होगा। इसलिए भागवत कथा करने में जो आचार्य हैं वो हैं श्रील राधा गोविंद महाराज। तो इसलिए हमें भागवतम को भी पढ़ना चाहिए। साक्षात कृष्ण है ये, भागवतम में साक्षात कृष्ण। तो इसमें हमें कृष्ण का संग करना चाहिए, भागवत के श्लोकों में जाना चाहिए। ऐसा भागवतम की अनंत महिमा, ऑफ कोर्स ऐसे एक महिमा बताई गई है कि वेद सिखाते हैं पिता के समान, उपनिषद सिखाते हैं टीचर के समान, जो पुराण है वो सिखाते हैं दोस्त के समान, और जो इतिहास है जैसे महाभारत और रामायण ये सिखाते हैं प्रियतमा के समान, लेकिन भागवत सिखाता है इन सब के समान। तो यानी अगर भागवतम है जीवन में तो ना तो प्रियतमा चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना टीचर चाहिए, ना पिताजी चाहिए, क्योंकि सब के सब सारे रोल अकेला श्रीमद् भागवतम ही पूरा कर देता है। तो इसे कार्तिक मास में सब कुछ है हमारा श्रीमद् भागवतम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे श्रीमद् भागवतम, यू आर माय मम देव देव, यू आर माय एवरीथिंग। यस, तो इस प्रकार से हमें जितना ज्यादा हो सके श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। अगेन तात्पर्यों के साथ प्रभुपाद जी ने बड़ी भावों के साथ तात्पर्य दिए हैं। सो इसीलिए दे आर इम्ब्यूड विद श्री प्रभुपाद डीप स्पिरिचुअल एक्सटेसी। तो उनके भावन माद है जो कि जो भक्ति की भावन माद है वो डाले हैं उन्होंने तात्पर्य के अंदर। इसे देखिए जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वर्स है, अगर निकाल लेना उसको तो एक किताब बन जाए, इतना ज्यादा बड़ा तात्पर्य है। पहले 3 श्लोकों में तो भर भर के तत्व सिद्धांत दिया, माई गॉड। पर यस, हमको श्रीमद् भागवतम का पाठ भी करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर। अच्छा, और हमें क्या करना चाहिए कार्तिक मास में? तो बताया जा रहा है कार्तिक मास में, नाउ दिस कम्स फ्रॉम स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंदर बताया गया है कि कार्तिक मास में यमुना मैया में स्नान करने का भला क्या महत्व है। कार्तिको मासु मथुरा यमुने जले ये स्नान स्थेतु वैकुंठे बहुकाल वसंति राधा दामोदर तत्र स्वयं स्नान कर्तुम कार्तिके अतो मथुरा श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः। इफ इन मंथ ऑफ कार्तिक अ पर्सन टेक्स बाथ ओनली वंस इन वाटर ऑफ यमुना इन मथुरा रिसाइड्स इन वैकुंठा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राधा एंड दामोदर इन द मंथ ऑफ कार्तिक पर्सनली टेक बाथ इन द मदर ऑफ इन द वाटर ऑफ यमुना इन मथुरा, देयरफॉर मथुरा एस्पेशली यमुना इज द मोस्ट एक्सीलेंट। तो इसीलिए हमें धाम निवास भी करना चाहिए कार्तिक के महीने में 3 दिन के लिए। 3 दिन तो जो है हमारे अपराध काउंट नहीं होते, बिकॉज वी आर काउंटेड एज गेस्ट। गेस्ट हैं ठीक है, कोई नहीं जी, लेकिन 4th दिन फिर वृंदा देवी पेन पैड लेकर बैठ जाती है। हाँ जी, पहला अपराध, दूसरा अपराध,
तीसरा अपराध। तो इसलिए 3 दिन के लिए जाना अलाउड है। वैसे जिसमें भी ना भोग की इच्छा बाकी है अभी, ऐसे व्यक्ति को वृंदावन में वास नहीं करना चाहिए। कई लोग कर लेते हैं, चलो वृंदावन चलेंगे, हम वहाँ ओमेक्स अपार्टमेंट खरीदेंगे, वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, बीच बीच में हम जाएंगे दर्शन भी करेंगे, टिक्की विक्की भी खाएंगे, लस्सी भी पियेंगे, आ गया दर्शन भी कर लेंगे, बोल। लेकिन जब तक भोग की इच्छा बाकी है तब तक वृंदावन में धाम वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एज अ गेस्ट 2 दिन के लिए वृंदावन जा सकते हैं, और क्योंकि हमारी बिसात उतने की है, फिर हमें विरह भी सताता दिल्ली का, राइट, तो चले दिल्ली की ओर। तो इसीलिए 2 दिन करके आइए वृंदावन वास, बस दैट्स इट। और मैं देखा ज्यादातर लोग जो कि भोग भाव से भी मुक्त नहीं हुए हैं पर वृंदावन वास कर लेते ना, कुछ समय बाद वृंदावन भी उनके लिए गांव जैसा हो जाता है। कहते भाई उठेंगे सुबह शॉपिंग वगैरह करेंगे, आएंगे खाना वाना ये वो दिस दैट, थोड़ा मरगिल्ले होकर सोला वाला आ रहेगा जा रहेगा राव 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 कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ज्यादातर का ही हाल होता है, बिकॉज भोग वृत्ति से अभी मुक्ति हुई नहीं है। तो भोग वृत्ति अगर बाकी है तो दिल्ली में रहें, यहीं पर चैंडिंग करें और यहाँ प्रचार करें। और भोग वृत्ति से मुक्ति हो गई फिर गुरु की आज्ञा से, कोट एंड कोट गुरु की आज्ञा से, देन वन कैन डू धाम निवास। पर कुछ सोचे हम वहाँ अपार्टमेंट वो भी रखा हुआ है, आना जाना लगा रहता है, कभी वहाँ खाना पीना, कभी यहाँ खाना पीना, ना जी ना। तो ऐसे में धाम निवास इज नॉट रिकमेंडेड। इसलिए यूजली गृहस्था डिवोटीज के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। बट श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद ने बोला है वृंदावन वास इज फॉर ब्रह्मचारीज, वानप्रस्थीज एंड सन्यासीज। और अगर ब्रह्मचारी वन भी अगर भोग वासना की इच्छा है तो ब्रह्मचारी को भी चाहिए वो रहे यहीं पर ही रहे। तो इसलिए सन्यासीज एंड वानप्रस्थीज दे कैन स्टिल स्टे देयर, पर लेकिन वैसे भोग की इच्छा वाले को वृंदावन में अलाउड नॉट अलाउड। वी कैन गो एज अ गेस्ट फॉर सम टाइम, 3 दिन के लिए मैक्सिमम, आप हफ्ता रह लिया मैक्सिमम, पर उससे पहले फिर वापस आ जाना चाहिए कि भाई अभी तो हमसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, चलो वापस चले। बट यस, धाम लेकिन जाना जरूर चाहिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप डर जाओ तो अरे भाई इतना खतरनाक है, जाइए स्नान भी करिए, दर्शन करिए, रज को अपने सर पे लगाइए। तो ये सब हमें धाम जाके करना चाहिए। मैंने कई बार डिवोटीज वहां जाते तो हैं और स्नान करते हैं ना, स्नान करने के बाद फिर वहां खेलकूद भी लेते थोड़ा बहुत, खेलना कूदना चाहिए, विद रेवरेंस वी शुड एंटर मदर यमुना, और वहां स्नान करना चाहिए। तो इसमें ये विहार करने का स्नान किसका है? कृष्ण का। हम थोड़ी यहाँ पर वो विहार करेंगे दूसरे, ये सब हमें अलाउड नहीं होता जी। हमें तो विद रेवरेंस वी शुड एंटर मदर यमुना। या राधाकुंड में कई लोग जो स्नान करते हैं अपने गुरु की आज्ञा से, वो भी जा करके बस वापस आ जाए वो अच्छा है, बजाय कि स्प्लैशिंग करें, स्विमिंग करें, इट्स नाइस पॉन्ड, नहीं करना चाहिए। और कई बार मैं देखा है लोग बिना गमछे के अंडरवियर में ही चड्डी में उतर जाते हैं, माँ यमुने अरे रुक जा भाई गमछा तो बांध ले। तो नंगू पंगू होकर के हमें स्नान नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को ढक करके स्नान करना चाहिए। इवन अगर हम जो डेली बात भी करते हैं ना, जो हमें घर में बाथरूम के अंदर, वहाँ पूरा नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। जैसे माताएं पहले ऐसे करती थी, पहले वो गाउन होता था उनका, उसमें वो स्नान करेंगे आएंगे लाइक दैट, वो वैसे स्नान होता है। जैसे जो प्रभुज भी हैं तो चड्डी में स्नान नहीं करना चाहिए, कोई लोग बिना चड्डी के स्नान कर लेते हैं, ना ना ही, कपड़े पहनने चाहिए हमें, कोपिन पहने, अंडरगार्मेंट पहने, गमछा पहन करके स्नान करना चाहिए एक्चुअली। तो इससे विद ऑ एंड रेवरेंस वी शुड देन एंटर। और फिर उसका जो गमछा होता है उसमें नहीं, उसमें फिर धो रहे हैं उसको, उसमें निचोड़ रहे हैं उसके अंदर, हर ये यमुना वही यहाँ की जाए, चक 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 एज इट इज वापस आ जाना चाहिए, उसको फिर उसमें धोने के लिए नहीं जाना चाहिए। और जब यमुना में स्नान करते हैं उसके बाद फिर शरीर पोछना भी नहीं चाहिए। ये लोग उसका शरीर पोछ लेते हैं, कहते गीले हो गए थे पोछ लो। और कुछ लोग इतने महान फिर जाके अपने रूम में स्नान करते हैं अलग से, कहते हैं गंदे हो गए यमुना में हम लोग, ओए होए, ऐसी भ्रष्ट बुद्धि के लोग रहते हैं कलयुग में, माय गॉड। तो यमुना में स्नान करने के बाद शरीर को पोछना भी नहीं चाहिए, वो अपने आप पानी इवेपोरेट होता है, दैट्स इट, वो वैसे होना चाहिए। और फिर जाकर के रूम में नहाना भी नहीं होता, बाथरूम में जाके फिर नहाएंगे तो वो मिट्टी लग गई यमुना में ना, यहाँ मानते इसलिए ये मिट्टी नहीं सर रज है, कहाँ वह रज मिट्टी एक ही होता है, हम हमारा एक ही है, एवरीथिंग इज वन, रज हो धाम की रज हो दिल्ली की मिट्टी हो सब एक ही है जी, इट इज सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम कंबाइंड टूगेदर सियाल, तुम सियार हो और कुछ नहीं। तो इसीलिए जब रज में जाए, रज में भी ये नहीं करना, जब जैसे उठते हैं ना थोड़ा झाड़ लेते हैं, गंदा हो गया मैं ब्रजरज से, उठे चल दें माथे पे लग जाती, फिर लोग साफ करते हो गंदा हो गया मैं,
ये नहीं करना होता। हमारे जितने चौधरी लोग हैं कलयुग वाले सब करते हैं, जा करके जाएंगे फिर जाने। मेरा मेकअप, मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी, सेल्फी मेरी अच्छी आनी चाहिए। कार्तिक मास में सेल्फी खिंचाने का अपना ही योग है। अरे 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 अरे, ये श्रृंगार है ब्रजरज का लगना, ये श्रृंगार है हमारा वास्तव में। लेकिन हमें बाहरी श्रृंगार जो है वो शहरी वाले श्रृंगार चाहिए, हमें खूबसूरत दिखते रहे हम लोग। हाँ बस दैट्स इट, ग्लैमराइज्ड दर्शन, प्रभु को अपने दर्शन दें, संसार को अपने दर्शन दें। हाँ इसलिए नहीं, तो इसीलिए जब उठे तो ये से झाड़ना झूड़ना नहीं, हम आदत भी है ना तो लोग कर लेते हैं, ऐसे कर झाड़ लेंगे कर लेते हैं इसलिए। पर वास्तव में उठ जाना चाहिए एज इट इज। तो धाम भी जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, वी शुड मेक अ प्लान टू गो टू वृंदावन धाम। हमें गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए, वाई नॉट, बिल्कुल करनी चाहिए। सो लेकिन परिक्रमा भी यही है, परिक्रमा में आप चलते रहे तो अच्छा है, हौले हौले करें चलते रहे। जितना बैठ बैठ के उठेंगे ना बीच में तो आपका स्टेमिना टूटता है। बट यस वी शुड डू दैट, हमें धाम में जा करके इस प्रकार से वास भी करना चाहिए। और साथ ही कार्तिक मास है, इसमें देखते हैं श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव भी आता है इसी महीने के अंदर, श्री गौर किशोर बाबू जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव भी आता है इसके अंदर। बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है ये, तो इसलिए इसके अंदर जितना ज़्यादा हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, राइट। तो ये कार्तिक मास आ रहा है, कार्तिक मास में कुछ ना कुछ वाव लीजिए, कुछ प्रतिज्ञा लीजिए और भक्ति को और ज़्यादा हमें अग्रसर करना चाहिए। दामोदर सिंह गाएँ, सुबह शाम गाएँ, राधिका सिंह गाएँ, जो भी गाएँ, मीनिंगफुली गाएँ। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, कुछ प्रतिज्ञा लें, भक्तों का संग करें, भगवद्गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, ये सब हमें करना चाहिए। एक्चुअली दीपदान दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, करना चाहिए। तो ये सब करेंगे देन वी कैन एक्चुअली फील दैट यस मैंने कार्तिक मास बिताया, अदरवाइज इट वुड बी जस्ट अनदर मंथ, जैसे बाकी महीने बीते वैसे ये वाला महीना ही बीत लेगा, बस दैट्स इट। तो इसीलिए हमें इस मास में वी शुड इन्वेस्ट, इट इज फुल ऑफ मर्सी, ये कृपा से भरा हुआ महीना है ये। और इसमें जो हमको शक्ति मिलेगी, फिर अगला महीना आने वाला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर उस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी भगवद्गीता को बांटने में। आपको पता है इस्कॉन कितनी भगवद्गीता बांटता है हर साल? इस्कॉन के डिवोटीज हर 7 सेकंड में एक भगवद्गीता बांटते हैं, हर 7 सेकंड में। तो इसीलिए हमें भगवद्गीता बांटनी भी है, लेकिन उससे पहले भगवद्गीता पढ़नी भी है। हाँ जी, सिर्फ बांटना ही नहीं है तो हमें पढ़ना भी चाहिए। तो इसके लिए पढ़ने के लिए विशेष रूप से महीना ये है, इसके बाद ही पढ़ना चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन कार्तिक मास में तो हमें वी शुड गेट इनटू साधना मोड, इक्विपिंग आवरसेल्व्स, बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इन भक्ति, भक्ति में सशक्त बनना चाहिए इस कृपा में प्लग इन करके। सो कार्तिक मास महा महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है? लेट्स से फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी स्टॉप। हाँ बताइए प्रभु। यस हरे कृष्णा। एक वृंदावन में वैष्णव से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे आप राधा कुंड जाते हैं, गोल्ड कुंड जाते हैं या यमुना जी जाते हैं कि वहाँ पे नहाना नहीं चाहिए, 3 बार छींटा मार के जैसे अपने चरणों का स्पर्श नहीं होना चाहिए, वो पवित्र नदी है। जैसे महाराजपुरी का बताया था कि जब वो वहाँ का जल पीते थे तो ऐसा लगता था कि मिल्क पी रहे हैं, और जैसे हम उसको देखते थे हमें जल लगता था, तो उन्होंने बताया कि ऐसे नहा सकते हैं। बिल्कुल, देखो वैसे तो एस्पेशली राधा कुंड को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव, वैसे तो यमुना में स्नान डिवोटीज यू शुड डू, और उसकी महिमा ही बताई गई यमुना में स्नान करना चाहिए। लेकिन और प्रभुपाद जी देखिए राधा कुंड के लिए मना नहीं किया था वैसे, जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न डिवोटीज को लेकर के आए तो उन्होंने वहां तैरना शुरू कर दिया, एज इट इज नाइस पॉन्ड, स्विमिंग कर रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा ओके नो मोर बेदिंग इन राधा कुंड। तो बेसिकली प्रभुपाद जी ने मना किया कि ये जो एटीट्यूड है कि हम वहां पर आमोद प्रमोद में हो जाएं, उसके लिए मना किया, विशेष रूप से राधा कुंड के लिए। तो यमुना हो या राधा कुंड हो, दोनों जगह पर ऑ एंड रेवरेंस के साथ, भक्ति भाव के साथ वन कैन टेक बाथ। पर राधा कुंड में विशेष रूप से हम ये कहते हैं कि अगर गुरु की आज्ञा है, क्योंकि वो राधा रानी का तल रूप है, इट्स अ लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी, उसमें फिर हमने चरण नहीं डालते। लेकिन अगर आपके गुरु ने बोला हुआ आप स्नान कर सकते हो तो फिर आप स्नान कर भी सकते हो, लेकिन अगर गुरु ने बोला हुआ है स्नान नहीं करना तो स्नान ना करके राधा रानी आप पे कृपा करेंगी। राधा रानी ये देखती है कि हमने गुरु के आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई लोग ना राधा रानी को बच्चा मान लेते हैं, ये स्नान कर ले राधा कहे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे में स्नान किया, ये नहीं स्नान किया गंदे जा तुम नहीं करूँगा। तो राधा रानी इज नॉट सम चाइल्ड, वो श्रीमती राधा रानी है, और वो ये देखते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन हुआ या नहीं हुआ। इवन श्रीमती राधा रानी कैन टेस्ट यू विद समथिंग जो गुरु की आज्ञा नहीं है, उस वक्त अगर आपने राधा रानी कहना मान लिया तो आप फेल हो जाओगे।
राधा रानी चाहती हैं कि आप गुरु का कहना मानो जो कि राधा रानी के शुद्ध भक्त हैं। तो गुरु ने अगर बोला हुआ है कि स्नान करिए, बिल्कुल करिए, फुली अलाउड, तो स्नान करके कृपा मिलेगी आपको। और गुरु ने बोला है नहीं स्नान मत करिए, ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जी हैं वो मना करते हैं, इसलिए हम नहीं करते स्नान, राधाकुंड में स्नान नहीं करते। कुछ विशेष भक्तों को जो कि भक्ति में उन्नत है उनको उनको अलाउ भी किया उन्होंने कि ठीक है बहुलाष्टमी के दिन आप कर लीजिए। तो कुछ उन्होंने छूट भी दिया कुछ भक्तों को जो कि भावना अच्छी जिनकी, पर जो हमारे ऐसे नौसखी लोग हैं हमको कभी आज्ञा नहीं मिली, हमको ये है बस ओम केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, जय राधा कुंड की जय, बस ऐसे जल पी लिया आपने, जय हो, इतना ही है। तो गुरु की आज्ञा इज नंबर वन, राधा रानी कृपा मिलेगी हम गुरु की आज्ञा का जो पालन करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, और हाँ पूछिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। सवाल है था कि मान को कैसे चाहिए, हाँ मान को कैसे चाहिए, हाउ टू टॉलरेट प्रेज, अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो भला उसको कैसे सहन करें। देखिए अगर आप में कुछ अच्छे गुण हैं तो निश्चित रूप से प्रशंसा तो आपकी होगी, तो हम बोले नहीं 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 यार ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ क्या, सच तो है, आपने कुछ अच्छा काम किया तो सच बात तो है, राइट। तो हमें क्या करना है प्रशंसा का, फिर प्रशंसा जो है पुष्प के समान है, तो पुष्प का फिर क्या करना चाहिए, फिर पुष्पों को अर्पित करना चाहिए भगवान को, या पुष्प अर्पित करना चाहिए गुरु को, बिकॉज वेल्थ इज फॉर विष्णु, विमेन इज फॉर कृष्ण, एंड फेम इज फॉर गुरु, एंड देन यू आर सेफ। क्या स्त्रियां, स्त्रियां तो जी इन्हीं को शोभा देती हैं, गोपियां जी आप, वेरी गुड। अच्छा पैसा रोकड़ा, कहते लक्ष्मी तो नारायण के साथ ही अच्छी लगती है, और यश प्रसिद्धि किसकी वजह से, गुरु की कृपा से, तो उनको ऑफर कर दें, बस दैट्स इट। तो प्रशंसा जब भी आए तो गुरुजनों को दे दें कि जो भी अच्छा है मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, चाहे मेरे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मेरे मेरे काउंसलर्स, मेरे मेंटर्स, तो ये श्रेय तो जी उन्हीं को जाता है जी, प्रभुपाद जी को जाता है, बस दैट्स इट, एंड देन यू आर सेफ। तो रेजिस्ट करना भी एक तरह का अटैचमेंट है, जैसे कहीं लोग प्रशंसा करो ना बड़ा गंदा मुंह बना लेते हो, कहते क्या होगा भाई तारीफ तो किधर ही, चुप रहिए, इतनी नौटंकी करनी जरूरत नहीं है, तारीफ हुई है भाई तुमने कुछ अच्छा किया तभी तारीफ हुई है, तो ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है। तो ये निगेशन, नेति नेति नेति, ये हमारा पथ नहीं है, हमारा है सब स्वीकार्य है कृष्ण के लिए, गुरुजनों के लिए सब स्वीकार है, प्रशंसा भी और निंदा भी। निंदा आएगी तो हम ये देखेंगे, अच्छा तो निंदा आई है तो सुधार कहाँ करना है, भक्ति में सुधार कैसे करना है, थैंक यू प्रभु जी निंदा करते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू। हालांकि जो ईर्ष्या से निंदा करेगा वो तो नर्क जाएगा, लेकिन हमारा भला कर जाएगा वो, थैंक यू सर आप निंदा करते रहिए, यस। तो इसलिए ना हमें प्रशंसा से आसक्त होना चाहिए, ना प्रशंसा से रिपेल करना चाहिए, रिपल्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, तो रिपल्शन भी नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रल। हाँ जी हाँ बताइए प्रभु, यस सर मनोहर प्रभु, यस भोगोन्मुखी सुकृति, जितने भी फिल्म स्टार वगैरह इनके पास भोगोन्मुखी सुकृति है, जैसे अमिताभ बच्चन है अभी तक 80s में आ चुके हैं लेकिन फिर भी आज चल रही है, भोगोन्मुखी सुकृति बहुत तगड़ी वाली है। फिर आती है मुक्ति उन्मुखी सुकृति, यानी कि मुक्ति की ओर जो हमें उन्मुख कराती है, और तीसरी होती है उसको बोलते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। लेकिन ये सुकृतियां ही हैं जो कॉन्सेंट्रेट होते 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 फिर ये श्रद्धा की ओर बढ़ती हैं, श्रद्धा बनाती हैं, पर इट्स अ डायल्यूटेड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल पायस मेरिट, सो डायल्यूटेड है, तो इसीलिए लाभ तो है लेकिन ये डायल्यूटेड है, मतलब कि इससे भी धाम नहीं जा सकते आप, सुकृतियों से हम भगवान के धाम नहीं जा सकते, सुकृतियों से श्रद्धा मिलेगी, उस श्रद्धा के द्वारा साधु संग करके भजन करके धाम जा सकते हैं, पर सिर्फ सुकृतियों से धाम नहीं जा सकते। तो इसलिए सुकृति तो मिल रही है, सो इट्स अ वैल्यू एडिशन फॉर भक्ति, बट नॉट रियली सब्सटेंशियल इनफ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। तो इसलिए कोई अगर इनअटेंटिवली दामोदर अष्टकम लाइफ लॉन्ग गा ले तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में तो आगे बढ़ेगा लेकिन धाम नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने हृदय नहीं दिया,
उन शब्दों में सत्यव्रत मुनि के जो दामोदष्टकम है, जो भक्ति भाव से वो कनेक्ट नहीं हुआ। सो पुनर्जन्म होगा उसका, मनुष्य जन्म होगा उसका। पर हम कितनी बार मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे भाई, कि सुकृति प्राप्त करते रहो, कोई नहीं यार चल रहा है, खाना पीना भी चल रहा है, सुकृति भी चल रही है, आ जा सुकृति बहन चल धीरे धीरे होले होले ना जी ना। यू शुड बी डेस्परेट टू गो बैक टू कृष्णा, यस दैट्स व्हाई। हाँ जी, और हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। बहुत ही सुंदर था आपके द्वारा, धन्यवाद जी। कुछ ही पलों में पूरा कार्तिक मास का हमें लाभ प्राप्त हो गया ऐसा लग रहा है, धन्यवाद जी। और प्रभु जी से ये पूछना था कि आपने बताया कि धाम वास समय या दो या तीन दिन तक अच्छे तो उसमें कुछ ऑफेंसेस अज्ञानता में होते हैं तो वो काउंट नहीं होते। हाँ जी, तो इसका कोई शास्त्रीय प्रणाम प्रमाण है? इसको प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धाम में ऐसे करता है देन उसको पाप भुगतने पड़ते। तो प्रभुपाद जी ने फिर इस बात को समझाते हुए बताया फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक प्रभुपाद ने याद है ना कोटेशन ऑफ द डे, उसमें प्रभुपाद जी ने इसको बताया कि दैट्स वाई जो गृहस्थास हैं दे शुड नॉट रिसाइड देयर। लेकिन फिर हमारे जो कंटेम्प्रेरी जो सीनियर डिवोटीज, उन्होंने कहा ठीक है दो तीन दिन कर लो, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वन कैन गो। ये जो आता ना प्रभुपाद कोट ऑफ द डे, इसमें एक दिन का कोट ये भी है प्रभुपाद जी का कि जिस व्यक्ति के अंदर भोग वृत्ति है उसको धाम में निवास नहीं करना चाहिए, बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वन कैन विजिट द होली धाम। ठीक है जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना था जैसे मैं अपना ध्यान इससे दूर करना चाहता हूँ और मैं मेट्रो में बैठ के अगर जाप करता हूँ बट मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा जाप में, मेट्रो में ध्यान जाप करते हैं? हाँ जी, मेट्रो में कहाँ जाप, थोड़ा दिक्कत होगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है अगला स्टेशन, तो अगला स्टेशन जनकपुरी, नहीं जनकपुरी वेस्ट नहीं ईस्ट नहीं, यहाँ मजंटा लाइन नहीं, यहाँ तो पिंक लाइन ना होगा। किस में? हाँ, तो एक महीने के लिए है वो नोकिया वाले फोन में अपना सिम कार्ड डाल लो आप, ठीक है, एक महीने के बाद फिर डाल लेना इसको, एक महीने बाद ऐसा कर लो। हाँ थोड़ा खर्चा होगा बट इज वर्थ, समय बचेगा आपका। और हाँ जी, हाँ हम कम से कम 30 बार तो कर लें, या करना चाहिए। हाँ जी माता जी, यस हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने बताया कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, प्रभु जी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसको जीवन में कैसे उतारना चाहिए, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब इसको प्रश्न आता है कि इसके ऊपर हम अमल कैसे करें, तो वो सबसे अमल से पहले एक और स्टेप आता है। शास्त्र पढ़ते हैं जो हम, तो है एक है श्रवणम, स्टेप वन, स्टेप टू मननम, फिर स्टेप थ्री है निधिध्यासनम। तो हम श्रवणम करें और बिना मनन के निधिध्यासनम में आना चाहें नहीं कर पाएंगे। सो पहले मननम, मननम वो करना चाहिए, उससे ज्ञान पचता है, जब पचेगा फिर वो अप्लाई हो पाएगा। जैसे हम देखा है गाय जो है खाती तो है लेकिन जुगाली करती रहती है, वो बहन हो तो गया है जुगाली चल रही है अभी, ये है मननम, ये करना चाहिए। तो जो पढ़े सुने फिर मनन करें, जो वो आत्मसात हो जाएगा फिर वो अप्लाई होना शुरू होगा। हम पढ़े कहते अप्लाई तो होने ना जी, कहते मननम क्या था करना जी, तो श्रवणम के साथ फिर कॉन्टेम्पलेट करें भगवान क्या कहना चाहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं, परीक्षित महाराज के लिए कौन से सवाल का यहाँ कौन सा जवाब दिया गया है, इसकी सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके पहले कौन सा श्लोक है, इसके बाद क्या श्लोक चल रहा है, चैप्टर क्या था, अब ये चैप्टर कैसे आया है, मननम, फिर आएगा निधिध्यासनम। प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, या किस चीज़ को हम प्रीचिंग में कहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि किस श्लोक से हम किस संशय को दूर कर सकते हैं किसी के, फिर प्रैक्टिकल उसकी प्रीचिंग एप्लीकेशन भी आती है। तो लेकिन लेकिन दोनों के पहले जो कॉमन फेज है वो है मननम, मननम, मनन करना चाहिए। तो यानी कि ना हमको बुक्स जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए कि हम बाद में ढिंढोरा पीट सकें, मेरी गीता हो गई जी, काय मेरी ट्रॉफी,
और ये विंबलडन ट्रॉफी दी जा रही है इनको, क्योंकि इन्होंने कार्तिक मास में भगवदीता पूरी की। इस ट्रॉफी के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे चाचा, भतीजा, फूफा, भाभी, जिन्होंने खुद इंस्पायर किया। लव यू ऑल। इसके लिए करते क्या हम लोग? तो हमें कोई ट्रॉफी तो जीतनी नहीं है हमें, तो इसीलिए हम शास्त्र पढ़ें। किसके लिए? हौले हौले पढ़ना चाहिए, हौले हौले, हौले हौले। यस, कहते हैं ना वो रनिंग स्टोन डजंट गैदर मॉस, यानी कि जो पत्थर का तेज से लुढ़क रहा होता है ना, तो वो अपने साथ चीजों को चिपका नहीं पाता। तो इस तरह से अगर आप शास्त्रों से भी चर्र देना निकल जाएंगे ना, तो ज्ञान को आप पकड़ नहीं पाएंगे, बस गुजर गए। स्टोरी पढ़ ली आपने, ऐसा हुआ प्रहलाद महाराज, ये वो हिरण्यकश्यपु, नरसिंह भगवान, चीर फाड़, धूमधड़ाका हो, ऐसा पढ़ लिया मैंने, भागो पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। तो इसीलिए हौले हौले पढ़ना चाहिए। अखबार जैसी रद्दी चीजें जो हैं वो आप जल्दी पढ़ सकते हो, है मोटा मोटा ये उसने उसको धोखा दे दिया था, पुरानी खबर है, नाम अलग अलग है और क्या, ठीक है। तो न्यू मैगजीन और न्यूज पेपर जैसे घटिया जो कलयुग के पुराण है ये, इनको आप अच्छे अच्छी पढ़ सकते हो, लेकिन शास्त्र आपको ये करके नहीं पढ़ने होते। शास्त्र आपको हौले 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 पढ़ने चाहिए, अच्छे से कॉन्टम्पलेट करते हुए, बोल बोल करके, एक एक शब्द को रिसाइट करते हुए। यस यस, ऐसे करना चाहिए। तो शास्त्र ऐसे पढ़ने चाहिए, फिर वो मननम भी होगा उसके अंदर, मननम होगा फिर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो पाएगी उसमें से। तो ये जरूरी है, मननम, मनन करना चाहिए, कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, ठीक है जी। ओके, और टाइम हो चुका है। हाँ जी बताइए। यस प्रणाम जी, हरे कृष्णा। देखो मानसिक में अगर वाकई में आपका भाव बड़ा, मतलब मन में भक्ति इतनी भरी है कि शरीर भी इतना साथ नहीं दे पाता, तो कुछ प्रणाम आपके मन में भी हो जाएंगे, कुछ आपके शरीर से भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आलस की वजह से मन में करना है कि शरीर हिलाए डुलाए बिना प्रणाम, वांछा कल्पत रूपस्य, चलने मन में प्रणाम, 108 हो गए, हरी बोल। तो आलस की वजह से नहीं करना चाहिए मानसिक प्रणाम। लेकिन हाँ, अगर आप प्रणाम करनी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, लेकिन शरीर में इतनी अभी स्फूर्ति नहीं रही है, क्योंकि घुटनों की ग्रीस जा चुकी है, लोअर बैक पेन भी रहता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे अब ज्यादा, तो फिर ठीक है, आप कुछ आपने मन में भी कर लिए, चलता है, समझ में आता है। लेकिन हमें शारीरिक रूप से प्रणाम करने चाहिए, ठीक है। जब बुजुर्ग हैं जैसे, वो मन में कर लें, दैट्स ओके। लेकिन भक्तों को, लेकिन भक्तों चाहिए जो जो पुरुष शरीर में है वो करे साष्टांग दंडवत, और जो माता है वो करे पांचांग प्रणाम। लेकिन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भले पूरा ना उठे तो बैठ करके फिर प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम भी कुछ समझ ले सकते हैं, 11 प्रणाम करूंगा मैं वैष्णवों को, 21 प्रणाम करूंगा भगवान को, वट एवर इट इज, ये भी ले सकते हैं, ठीक है जी। हाँ ओके, और कोई सवाल? यस, दैट्स इट, डन। जय कार्तिक मास महा महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय, धाय गो प्रेमानंद हरि हरि वो। एक डिवाइस 70,000 का। अच्छा, रोजी लीजिए।